जम्मू कश्मीर के नेताओं को भ्रष्टाचारियों से प्रेम क्यों है? क्यों हमारे जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो ये नहीं चाहते कि ये भ्रष्टाचारी पकड़े जाएं? जेके पीएसआई और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पायरेंट जो प्रदर्शन कर रहे हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो एस्पायरेंट है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और पीएसआई की तो लिस्ट ही स्क्रैप कर दी गई है, लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको आजकल समर्थन जो है वो राजनीतिक लीडरों से मिल रहा है। कुछ सवाल उठकर मन में आते हैं कि जब ये लोग सत्ता में थे तब ये लोग क्या कर रहे थे? ये जो लत, जो करप्शन की लत ऑफिसरों को लगी हुई है, ये लत 2019 के बाद तो नहीं लगी होगी, ये तो पुरानी लत होगी, शायद हमारा जब जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले की ये लत लगी होगी। तो उससे पहले जो लोग सत्ता में थे उनसे भी ये सवाल उठता है कि ये जितने भी लोग भ्रष्टाचारी हैं इनको ये लत लगी कैसे? दूसरा सवाल ये कि जांच रिपोर्ट कब आएगी? सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और इंतज़ार इस बात का भी है कि कौन कौन सी मछलियाँ जो हैं वो सलाखों के पीछे जाने वाली हैं, कौन कौन से एस्पायरेंट जो हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं, कितने परिवार हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं, 20-20 लाख 10-10 लाख पैसे दिए हैं अपने बच्चों की जॉब के लिए, इस पेपर को पास करवाने के लिए। तो वो सब जानना चाहते हैं लोग कि वो कौन लोग हैं, एक बार वो सामने आए। और जो पीएसआई के एस्पायरेंट है और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो एस्पायरेंट हैं वो एक सवाल कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों से इतना प्रेम क्यों? हमारे साथ बात करने के लिए विंकल शर्मा हैं, जो जेके पीएसआई के एस्पायरेंट हैं और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के भी आप एस्पायरेंट हैं। तो इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि इनको क्या लगता है, ये किस नज़रिए से ये जो प्रदर्शन हो रहा है और जो जांच की रिपोर्ट का इंतज़ार हो रहा है ये किस तरह से देखते हैं। अच्छा विंकल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो भ्रष्टाचारियों से प्रेम है, नेता जो आजकल काफ़ी सारा प्रेम जो है वो दिखा रहे हैं, और इसके पीछे क्या कारण लगता है? जी जैसे आपने कह दिया, भ्रष्टाचारियों का समर्थन कुछ लोगों ने करा है, बड़ी शर्म की बात है। और शर्म की बात इसलिए नहीं कि वो भ्रष्टाचारियों का समर्थन कर रहे हैं, इस बात से शर्म आ रही है कि वो कभी ना कभी उन्होंने स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं वो चलाई हैं, वो सरकार में रहे हैं, और अपने समय में भी उनके जो धांधलियाँ हुई या फिर अपने समय में जो कार्रवाइयाँ उनको करनी चाहिए थी उन्होंने वो कार्रवाइयाँ नहीं करी, और जैसे तैसे वो धांधलियाँ छुपाए रखी। आज जब उसी दौर की कुछ धांधलियाँ सामने आने लगी सोशल मीडिया पे कि ऐसा तब हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ, और इसके साथ साथ आज वो एक मौके के तौर पे पॉलिटिक्स इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इनमें हमने पहले ही कहा है राजनीतिक पार्टियों के लोग शामिल हैं, और कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियों के लोग शामिल हैं वो ये आए दिन जो बयान आ रहे हैं वो सामने दिखा रहा है। अच्छा आपको भी लगता है कि यही जो बयान दे रहे हैं यही लोग शामिल भी हैं, इन्हीं पार्टियों के लोग शामिल हैं? जी बिल्कुल, इन्हीं से पार्टियों से संबंधित, जो पुराने कभी इनके साथ थे आज कहीं और हैं, या फिर जो आज भी इनके साथ ही हैं या कहीं और भी साथ साथ में कहीं और भी उन्होंने दो दो तीन तीन जगह अपने हाथ आजमा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं वो शामिल हैं, और ये उन्हीं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसका तो बिल्कुल सीधा सा है कि क्यों कर रहे हैं, कि भाई भ्रष्टाचारी जो है वो दूसरे का समर्थन करेगा, हर किसी न किसी पॉइंट पे आके एक दूसरे के साथ ये मिले होंगे, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, इसके उदाहरण हमें कई मिलते हैं। नहीं तो ऐसा तो नहीं कहें कि ये जो स्कैमर हैं राजनीतिक पार्टियों से मिलकर इन्होंने इस स्कैम को किया है ताकि जो इस समय सत्ताधारी पार्टी है उसकी थोड़ी छवि खराब हो जाए, ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल वैसा भी हो सकता है, नकारा कुछ नहीं जा सकता, बट सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष हो ये कुछ लोग कॉमन होते हैं, क्योंकि इनका काम एक ही है कि पैसे के बलबूते पे इन्होंने बच्चों के भविष्य के, स्टेट के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, वो ये कर रहे हैं धड़ल्ले से, ये कभी उधर थे कभी इधर हैं लेकिन ये कर रहे हैं। रही बात कुछ लोगों की भाई कि इन लोगों ने जो आज समर्थन कर रहे हैं, तो बड़ी हैरानी दीपक जी इस बात से होती है, ये लोग तब कहाँ थे जब पीएसआई के बारे में हम डिमांड कर रहे थे कि इसमें स्कैम हुआ, तब ये लोग कहाँ थे? ऐसा नहीं इनके तक पहुँचने की कोशिश नहीं हुई, कोशिश करी गई,
इन लोगों को डाटा भी दिया गया अभी ये चीज़ें हो रही हैं। आप गए थे? जी बिल्कुल, मैं नहीं गया था, लेकिन हाँ हमारे साथ जो लोग थे वो इनके पास मिलने के लिए गए हैं। कईयों के पास हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, कईयों ने अपॉइंटमेंट टाल दिया गया है। तो ऐसे लोग अगर आज निकल के सामने आ रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण हो सकता है। क्या कारण है? जांच एजेंसियों को चाहिए कि जब जांच हो तो पैनी नज़र इन पे भी रखी जाए, कहीं ऐसा तो नहीं डिफेंड करा जा रहा है करप्शन को और कुछ करप्ट लोगों को डिफेंड करा जा रहा है। कुछ लोग जो हैं इन्वॉल्व हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के हैं, कुछ गैर ना पॉलिटिकल हैं, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं है, लेकिन वो काम यही करते हैं, उनको बचाने की कोशिश क्यों हो रही है? अब मेरा सवाल यह है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में स्कैम है, आपको लगता है ये स्कैम हुआ है, इसमें भी पैसा चला है? जी बिल्कुल, और हमने ये आज नहीं, आपने ये आज भी पहले भी आप ये प्रश्न करते रहे, आज भी जो लोग आपके दर्शक हैं, इसके अलावा जिन लोगों तक ये आवाज़ जारी है, बिल्कुल इसमें भी स्कैम हुआ है, और छोटे लेवल पे नहीं, एक दो चार नहीं, इसमें भी SI के स्तर का, जैसे SI में था उसी स्तर का स्कैम हुआ है, और वही लोग भी शामिल हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है इसमें कोई नए लोग आए हैं, नए सिर्फ एस्पिरेंट्स हो सकते हैं, वो भी कुछ लोग तो वही एस्पिरेंट्स हैं जो PSI के समय भी थे, उन्हीं के नाम यहाँ पे भी हैं। कुछ लोग जिन्होंने पेपर दिया, बांटा, डिस्ट्रीब्यूशन करी, वो लोग वही जो पहले भी इन्वॉल्व हैं किसमें, PSI में। तो हम कैसे, कौन कह रहा है कि इसमें नहीं है? जाँच होने दीजिए, जाँच का जिस दिन परिणाम सामने आएगा उस दिन देखिएगा। दीपक जी आप भी यहीं होंगे, हम भी, आप भी कहीं ये जो खबर करेंगे आपके सामने ही जिन लोगों पर कार्रवाइयाँ होंगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी उनके साथ किसी बड़े बड़े लीडरों के फोटो कल को स्क्रीनशॉट चले, जैसे पिछले दिनों एक किसी आतंकवादी के स्क्रीनशॉट चल रहे थे, तो वैसा ना हो कि कहीं ऐसा भी उनके भी चले। तो लीडरों को परहेज करना चाहिए कि भाई हम खड़े कहाँ और किसके साथ खड़े हैं। नहीं, कोई आप प्रमाण दे सकते हैं, कोई आपके पास हैं आप, क्योंकि आप लोग सारे एस्पायरेंट जो हैं रिसर्च भी काफ़ी सारी कर रहे हैं, तो कोई प्रमाण है? कुछ लोग शामिल हैं इस बात का प्रमाण जो है वो है, लेकिन एजेंसियों आप भी जानते हैं रसूखदार लोग हैं जिन्होंने इतने बड़े लेवल की धांधलियाँ करी हैं, तो हमें लाइफ के थ्रेट तो पहले भी आए, अब भी आते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी, पर्सनली कॉल करके भी, लोगों के थ्रू भी, तो जान से मारने की धमकियाँ तो आती रहती हैं। पब्लिकली उनका नाम ना दे करके मैं आपका ऑफ द रिकॉर्ड जो ऑफ कैमरा मैं आपको नाम कुछ बता देता हूँ जो लोग नाम शामिल हैं। इसके साथ साथ एजेंसियों के पास उनके नाम हैं ऑलरेडी, CID में या पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हुई है प्रीलिमिनरी, उसमें उनके नाम हैं डेफिनेटली। कुछ लोगों के नाम मीडिया में भी सरफेस हो चुके हैं, आपके माध्यम से भी कुछ नाम जो है वो सामने आए हैं, तो वो नाम सही है बिल्कुल। इसके अलावा ये जो लोग डिफेंड कर रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो लोग डिफेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ दाल में काला है, तो आप थोड़ा सा हिस्ट्री देखिए, ये जो मेरिट ट्रैक है आई कहाँ से, इसको लेके कौन आया, जिसने पेपर कंडक्ट किया उस एजेंसी की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कौन लेके आया इसको? इसको लेके आए NC, उस समय गवर्नमेंट थी NC की, और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे वो उमर अब्दुल्ला साहब थे। अब देखिए NC और कांग्रेस उस समय सत्ता में थी, उस समय ये जो एजेंसी है ये एग्जाम कंडक्ट करने के लिए आई है। अब बताइए ऐसी एजेंसी आई है, आई है या लाई है? जी अब ये राइम भी कर रहा है, आई है लाई है, लेकिन शायद लाई ही है। अब देखना ये है कि जांच जब चलेगी तभी तो ये ऐसा है ना, ये डिफेंस में क्यों उतरे हैं? आपने देखा होगा कि कुछ लीडर्स डिफेंस में उतरे हैं, क्यों उतरे हैं? कुछ तो कारण रहा होगा, तो हम बच्चे नहीं हैं, हमने जब आए थे हो सकता है इनका पाला किसी जमाने में पड़ा होगा कुछ ऐसे ही लोगों से, जिन लोगों को इन्होंने कभी कुछ बना के अंदर करवा दिया, कईयों के ऊपर केस चलवा दिया, कईयों को ये फेलियर कह के दबा दिया। हम वैसा समझने की भूल भी मत करना, और ना ही हम वैसे हैं। जब ये लोग सत्ता में थे तो जो लोग सच बोलते थे उनको सच बोलने दिया जाता था, या फिर वो सलाखों के पीछे डाल दिए जाते थे? ऐसे भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं जिन लोगों ने इन धांधलियों के ऐसे ही प्रकार, इसी तरह की धांधलियों के विरोध में जब आवाज़ उठाई और उनको सलाखों के पीछे भी धकेला गया है। ऐसा बिल्कुल है, हुआ है, लेकिन किया किसने है वो यही सरकारें हैं। इन लोगों ने कार्रवाइयाँ कितनी करी हैं, आज जो कार्रवाई के विरोध में जा रहे हैं, चलते चलिए अभी आज अभी इसी सफ़र में, जो आज हमारा सफ़र आपके साथ है, इसी सफ़र में हम आपको दिखाएंगे, आपके दर्शकों को भी दिखाएंगे इन लोगों ने अपने टाइम पे क्या कराया और आज ये क्यों बचा रहे हैं, समझ आएंगे दर्शक आपके। तो कहाँ से, कौन से ईयर से शुरू करें, कौन से सन से शुरू करें, 2010 से, 5 से, या 2012-13 से? सन भी आप चूज़ कर लीजिए, और
पॉलिटिकल पार्टियां भी आप चूज कर लीजिए कि कौन कौन लोग आज कूद रहे हैं इस मामले में। 2010 के बाद देखते हैं कि कितने सारे एग्जाम हुए और किन किन में धांधलियां आपको, जिसमें आप बच्चों को ऐसा लगता है कि धांधलियां हुई हैं। ये एक ACB के जो स्पेशल जज हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के कश्मीर उसमें ब्रांच में, उसमें RN बतल सर हैं जो, उनके कोर्ट में ये केस चला। ये मैं, कोई भी जाओ, कोई भी व्यक्ति जाए और नेट पे चेक कर ले, RN बतल का जो केस कोर्ट में, जो जजमेंट आई उनका कोर्ट में ये केस गया है। इसमें ACB ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि 2800 जो लोग हैं वो आए हैं बैकडोर एंट्री से। ध्यान देने वाली बात यह है, JK बैंक किसका? जम्मू कश्मीर सरकार का। उस समय सरकार किसकी? NC कांग्रेस की। NC का CM है कौन? उमर अब्दुल्ला जी। आज उनको दिख रहा है कि लोगों के साथ नाजायज हो रहा है, कुछ प्रोटेस्टर सड़कों में बैठे हैं, बिल्कुल हमें भी दिखता है, लोगों ने मेहनत करी है। लेकिन यहां सवाल ये उठता है, ये जो 2800 बैकडोर एंट्रियां हुई हैं 13 से 16 के बीच में, ये कैसे हुई? ये किस गरीब का हक आपने मारा है, ये आपको समझ है? यहां पे भी उस समय ये जो 2800 पोस्टें किसी गरीब, किसी मेहनती बच्चे की आप लोगों ने खाई हैं, उन लोगों, जिन लोगों ने ये बैकडोर एंट्रियां ली हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? जब ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद क्या क्या बहाने बनते हैं वो हमें भी पता है, किस किस तरह से लोग बचते हैं, कहाँ कहाँ किस किस लूप होल्स के थ्रू वो अपने आप को बचाते हैं और नौकरियां जो है वो वैसी की वैसी चलती रहती हैं, हम जानते हैं। इसीलिए हमने पहले कार्रवाई करने की मांग उठाई थी। ये जो 2800 लोग हैं जो बैकडोर एंट्रियां हुई हैं, ये अभी नौकरियां कर रहे हैं, कर रहे हैं लोग, और रिपोर्ट अगर नहीं है तो पब्लिक, मैं चाहूंगा आपके दर्शक, आम लोग भी सरकार के ऊपर दबाव बनाइए कि वो रिपोर्ट पब्लिक करें, किन किन लोगों के नाम हैं और किन किन के रिश्तेदार लगे हैं, इस तरह से इन्होंने बैकडोर एंट्रियां करी हैं। मैं एक सवाल इनसे करना चाहूंगा, क्या आपने किसी मेहनती बच्चे का, जेन्युइन बच्चे का हक नहीं खाया है अपने रिश्तेदारों को बैंकों में जॉब दिलवा के? कहीं ने कॉपरेटिव बैंक में दिलवाई है, कहीं ने JK बैंक में दिलवाई है, क्या वो किसी गरीब का हक नहीं था? उस समय आप कहां थे? और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, इनके समय में नहीं हुई, इन्होंने या होने नहीं दी, स्वाभाविक है इन्होंने नहीं होने दिया इनके। अरे भाई, खुद के ही तो बंदे लग रहे थे, खुद के ही तो वर्कर्स, पार्टी वर्कर्स लग रहे होंगे, खुद के रिश्तेदार लग रहे होंगे, तो कैसे करते कार्रवाइयां? खुद की जब पैसे लेके जब लगते हैं तो कैसे कार्रवाइयां होती? नहीं होती हैं। उसमें बैकडोर एंट्रियां, देखो फ्री में कोई बैकडोर एंट्रियां नहीं होती हैं, किसी ना किसी जरिए से होती हैं। क्यों हुई? एक भी अगर फ्री बैकडोर एंट्री हुई तो क्यों? यहां एक नहीं है, यहां 2800 है। तो इनसे सवाल करा जाना चाहिए, वो 2800 जो गरीब बच्चे की, मेहनती बच्चे की, जेन्युइन बच्चे की नौकरी आपने खाई है, उसका कोई जवाब है आपके पास? ये जो 972 जो अभी चल रही है, इनकी बात तो हम करेंगे आपसे। 2800 परिवार तबाह किए हैं लोगों ने, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, 2800 जॉब किसी जेन्युइन बच्चे की जो है वो मारी है इन्होंने, वो खाई है, तो ऐसा कैसे नहीं कह सकते? और मैं बार बार कह रहा हूं, उस समय सरकार में कौन थे? यही लोग थे, NC और कांग्रेस, और NC के उस समय CM थे। और कोई? हाँ बिल्कुल, इसके अलावा आप कर लीजिए, 13 में एक एडवर्टीजमेंट हुई थी फायर एंड एमरजेंसी की। हाँ। तो बेचारों का भला होते होते मुझे लग रहा है इतना समय लग गया कि कई तो बेचारे आज के टाइम पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम उनको देखते हैं, यार आपको, आप इसमें एलिजिबल कैसे थे? तो वो बताते हैं, भाई साहब हम 2013 से लगे हैं, 13 में एप्लीकेशन हुआ। उसके बाद आपको मैं, आपके दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये फायर एंड एमरजेंसी का 18 में एक एग्जाम हुआ है, 2018 में ही जाके एग्जाम हुआ। एडवर्टीजमेंट 13 में हुई थी, जब 18 में एग्जाम हुआ तो इन्होंने क्वैश कर दिया। क्वैश किस लिए करा है? इसके अगले पेज में आप जब देखेंगे क्वैश का भी नोटिस है, 2019 में जाके उसको क्वैश कर दिया। 2019 में? हाँ जी, उसको क्वेश्चन कर दिया। क्यों करा? क्योंकि उसमें मास लेवल की चीटिंग इनको मिली। चलिए बिल्कुल, लेकिन कार्रवाई हुई क्या? वो कार्रवाई अगर हुई होती तो 2020 में जब वो एग्जाम दोबारा से हुआ, सेम तरह की धांधलियां फिर से आई, व्हाट्सएप पे सब जगह वो लड़के दौड़े, फायर एंड एमरजेंसी वाले सब जगह गए, कोर्ट में भी गए हैं, प्रदर्शन भी करे हैं, सड़कों पर भी आए, सब कुछ हुआ। तब ये माननीय कहां थे? क्या वो जेन्युइन लोगों की डिमांड नहीं थी? ये जो ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग खेला जा रहा है, इसका कारण यही है
कि एक बार ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद हम देख लेंगे, उसके बाद हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। सिस्टम में जो लूप होल इन्हीं लोगों ने रखे हैं, क्योंकि सिस्टम इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हाँ भाई लिस्ट निकालो, इसी तरीके से बचाना चाहते हैं जिस तरह से फायर एंड एमरजेंसी के। फायर एंड एमरजेंसी में अगर आप देखेंगे 90% अपॉइंटमेंट्स, ये आगे मैं नहीं कह रहा, ये ऑन रिकॉर्ड है, प्रेस प्रिंट मीडिया में आया है कि 90% जो है अपॉइंटमेंट्स कश्मीर से हुई हैं। और हुए हैं उसके साथ साथ देखिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में, बडगाम डिस्ट्रिक्ट, जहां जिसको आप ये भी कह सकते हैं अखनूर ऑफ द कश्मीर, बडगाम डिस्ट्रिक्ट, वहां सेम ऐसे ही केस मिलते हैं। पेपर लीक हुआ है, लोगों ने शोर डाला है, लोगों ने स्क्रीनशॉट दिए हैं, वो लोग तो यहां तक कहने को तैयार हैं कि हमने एफिडेविट दे देते हैं आपको कि भाई इन लोगों ने, हमने पैसे दिए थे इन इन लोगों को। कार्रवाइयां हुई? नहीं हुई। कार्रवाइयां नहीं हुई वो तो चलो दूर की बात है। इसके अलावा एक और नई चीज आपको बताता हूं, इनमें से जो आज सोशल मीडिया पे, क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो गया तो इनको वोट बैंक दिख रहा है, तो ठीक है अब उस पर भी आएंगे वोट बैंक पे भी, वो जो 950 के आसपास वो भी जो पोस्ट थी फायर एंड एमरजेंसी की, उनमें भी तो धांधली हुई थी। उस समय आप जांच का घेरा आपको नहीं दिखा, उनमें नहीं आपको लगा कि यहां स्कैम हो रखा है। लेकिन ये किसी स्कैम के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इनके खुद के लोग शामिल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग शामिल होते हैं, इसलिए कार्रवाइयां नहीं कर रहे। मतलब आज बोल रहे हैं तो आज भी शामिल हैं, और उनको खतरा है कि ये कहीं चले ना जाएं तो इलेक्शन में खड़े किसको करेंगे फिर ये? बिल्कुल, फंडिंग कहीं ना कहीं से तो आएगी, कुछ ना कुछ तो होगा, और बैकडोर में क्या चल रहा है ये सब सामने आएगा जिस दिन जांच सीबीआई ने। मैं एलजी साहब का शुक्रगुजार हूं, और एक दिन मैं दिल से कहता हूं ये बात कि एलजी साहब ने ठाना, यहां कुछ लोग कहते हैं कि भाई दो चार लोगों की सुन के तो एलजी साहब चल रहे हैं या आर के गोयल साहब चल रहे हैं, द्विवेदी साहब चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके मन में एक था करप्शन को लेके कि हमने ये खत्म करनी है, हमारे एक आवाज उठाने से, एक चिंगारी लगाने से वो आग बन गई। उनके तक तो पहले से थी, उन्होंने इमीडिएटली सीबीआई का जो इंक्वायरी करा है, आज ये कुछ लोग उन्हीं के जो बड़े बड़े लोग शामिल थे वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो उन्होंने इंक्वायरी का ऑर्डर करी है, आप यहां तक देखिए दीपक जी, उनके इंक्वायरी ऑर्डर करने के बाद ये कैसे बिलबिला उठे हैं कि भाई पुराने कच्चे चिट्ठे ना खुल जाए। इनके तो खुल ही रहे हैं, जेके बैंक में खुल गया, इसके अलावा ये जो फायर एंड एमरजेंसी वाला है वो भी आ रहा है कतार में, जिस दिन आएगा अपने आप जद में, अच्छा पीएसआई है जद में है, फाइनेंस है जद में है, तो इनको दिख रहा है कि इस टाइम पे कुछ तो कुछ है, कहीं ऐसा ना हो ये तलवार जो ईमानदारी की है इनके तक पहुंच गई, तो जद में ये भी आएंगे। इसीलिए शायद कुछ लोग सोशल मीडिया पे आज ज्यादा एक्टिविज्म दिखा रहे हैं, और जांच को किसी ना किसी तरीके से अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए इसको प्रभावित करना चाह रहे हैं। मैं लोगों से ये अपील करूंगा, ये आपके सके नहीं है, ये जो आज सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके भी सके नहीं है। क्यों सके नहीं है? याद करिए, आप में से कुछ लोग जो पीएसआई में सिलेक्टेड थे उस समय ये नहीं बोले, क्या कारण था? इनको अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी थी, करें, इनके वोट बैंक की पॉलिटिक्स लोगों ने देखी है और जवाब भी देंगे, लेकिन आप भी अपनी शक्ति को इकट्ठा कर लो, इनको सबक सिखाओ। इन लोगों ने जो चाल हमारे साथ करी है, इसके पहले भी खाया है, हमारी नौकरियां, हमारा हक खाया है, आज भी खा रहे हैं, और अब जो हम लड़ रहे हैं सच्चाई के लिए, उसमें ये अपने रसूख का इस्तेमाल करके, अपनी पावर का, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके ये स्कैमरों को बचाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग जो करप्ट हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर जहां कहीं दिखते हैं इनसे सवाल करिए कि ऐसा क्यों, जैसा कि करप्शन को डिफेंड करने का कारण क्या है। इसके साथ साथ फाइनेंस को लेके आए, तो कंपनी ये वही है जो 2013 से काम कर रही थी, तो 2013 से जो कंपनी काम कर रही है उसको लेके तो श्रीमान जी यही आए थे, इन्हीं के समय आई थी, कार्रवाई करनी होती 2013 में आई, 14-15 के आसपास जो है वो ओएनजीसी का केस जो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, ओएनजीसी का केस जो हुआ 2015 में हुआ, ये जजमेंट है आपके दर्शकों को मैं दिखा सकता हूँ 2015 में हुआ। ये जजमेंट, तो ये जो जजमेंट है इसमें आप देख सकते हैं 2015 का है, 2015 में इस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, ये यहाँ कैसी बनी रही, और हाई कोर्ट की जजमेंट है, ब्लैक लिस्ट एक सरकारी कंपनी ने करा है, ये कंपनी यहाँ कैसे बनी रहेगी? तो इसके पीछे जब जांच होगी, स्वाभाविक है, मैंने कहा आपको, इसीलिए वो लोग उछल रहे हैं जो लोग कहीं ना कहीं जिनके तार यहाँ जुड़े हुए हैं, ये
दर्शक आपके बोले ना, सरकार ये बोले ना कि ये वही लोग हैं, माननीय एलजी साहब ये वही लोग हैं जो उस समय सरकार में थे और ये कंपनी जब यहाँ आई थी, कैसे आई कैसे नहीं आई ये अपने आप सीबीआई जब जांच चलेगी वो तय होगा इस चीज़ से। बच्चे जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के प्रदर्शन कर रहे हैं अभी, इसके बारे में क्या आपको क्या लगता है, ये ठीक डायरेक्शन में है कि डायरेक्शन भूल गए हैं और कुछ और कहीं स्कैमरों को बचाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? पता नहीं ये जान के हैं कि अनजान के हैं, स्वाभाविक है इतनी देर से तलाश थी किसी मतलब एक जॉब की, और जब वो जॉब मिली उस समय वो जॉब कुछ चंद लोगों की गलतियों के कारण उनके हाथ से वो जॉब जा रही है, तो स्वाभाविक है कि भाई वो लोग अपना विरोध भी जताएंगे। लेकिन एक चीज़ और मन में चुभती है, क्या करप्शन के खिलाफ लड़ना सिर्फ सोशल मीडिया पे था जब तक आपका लिस्ट में नाम नहीं था? क्या 5-5, 7-7 लाख रुपए देके जो लोगों ने, कुछ लोगों ने नौकरियां दी, ऐसे कुछ लोगों ने एलिगेशन लगाए थे पंचायत के समय, फोर्थ क्लास के समय भी एलिगेशन लगाए, आज वो लोग प्रोटेस्ट करें? क्लास के समय तो हमने स्वयं खबर की थी, उसमें हमने बताया था कि ये बच्चों से, लड़कियों से 3.5 लाख रुपए मांग रहे हैं और लड़कों से 4-4 लाख रुपए ले रहे हैं जॉब देने के, ये हमने खबर की हुई थी। यही चीज जो है मैं आपको कह रहा हूँ, वो लोग आज क्योंकि खुद का नाम आ गया है इसलिए वो डिफेंड करने चल पे, हमें तो लिस्ट चाहिए। भाई ये वही चीज है, ये जो लिस्ट वाली आप डिमांड कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका हाल भी फायर एंड इमरजेंसी वालों के साथ हो। ये जो फायर एंड इमरजेंसी वाले हैं उनके साथ अगर हम बात करें, ये वही लोग, आज पूछो उनको कुछ हो पा रहा है उनका, नहीं हो पा रहा। और हम इस जो लड़ाई है इसको हम किसी भी लेवल तक लेके जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाने देंगे भाई करप्ट लोगों को अंदर, क्यों जाने दें? लोग किसी ईमानदार की, जो मेहनती बच्चा है, जो जेन्युइन कैंडिडेट है, उस बंदे की नौकरी खा के आप अंदर किसी को अंदर जाने दें? नहीं जाने दे सकते। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बोलूँगा, जो ये लोग, कुछ लोग जो सड़कों पर हैं आज, वो अनदेखा कर रहे हैं। क्या अनदेखा कर रहे हैं? कुछ लोगों को डेलिब्रेटली, जो जिस तरह से रिपोर्ट में मीडिया के थ्रू हमें पता चला था, रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि जो टेम्परिंग है, रिजल्ट के साथ टेम्परिंग भी हुई है, इस एग्जाम में भी डेलिब्रेटली कुछ लोगों को एक एक डेढ़ डेढ़ नंबर कम दिया गया है। अब अगर एक एक डेढ़ डेढ़ नंबर कम दिया गया है उन बच्चों को, मतलब कोई बच्चा आधे नंबर से रह रहा है, कोई बच्चा एक नंबर से रह रहा है, और अगर वो उसका एक नंबर में, आधा नंबर में उसका जो खुद का एक नंबर था वो अगर वो उसको दे दिया जाए तो वो लिस्ट में अंदर है, वो लोग बाहर हैं आज, तो आप क्या सोचते हो उनका हक नहीं है? हक सिर्फ उन्हीं का है जो कैसे भी करके लिस्ट में आ गए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का समर्थन मैं इसलिए भी नहीं करता हूं, मुझे शुरू में था कि भाई बिल्कुल जेन्युइन एक डिमांड है, लेकिन कुछ बीच में घटनाएं ऐसी हुई, एक दिन देखा वो कोई किसी ड्रग्स को प्रमोट कर रहा है, फिर देखा कहीं कोई टेररिज्म का समर्थन कर रहा है, फिर देखा कि कहीं वो, चलो हो गया गलती, है ना, इमोशनली कोई हो जाते हैं, लेकिन फिर देखा किसी दिन एक पत्रकार को भी मारने की धमकी या उसको भी कहीं घेर लिया। तो ऐसी चीजें हो जाने के बाद मैं तो नहीं करता, मेरे साथ बाकी भी लोग यही थे कि मैं, सब लोग कह रहे थे कि मीडिया में आके हम लोग इस चीज को कंडेम करें कि ये जो हुई, ये घटनाएं हुई बहुत गलत हैं और इनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ऐसी ही एक घटना कश्मीर में भी किसी ने कह दिया, बाद में चलो उन्होंने मीडिया में आके कहा कि भाई मेरा बयान ऐसा नहीं था, पर हमने भी वो बयान सुना था, क्योंकि जब हमने वो सुना हमें शॉक लगा कि भाई ऐसा बयान क्यों, हम लोग भी सड़कों पे हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी सड़कों पे हैं काफ़ी देर से, लेकिन हम कुछ ऐसा ना कहें और ऐसा ना करें जिससे बाकी समाज में गलत मैसेज जाए, ये मेरा है। इसलिए मेरी आज उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि कुछ लोग करप्शन को डिफेंड कर रहे हैं, सज़ा हमें भी मिली है, स्वाभाविक है, लेकिन हम इस सज़ा को भुगतने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी सज़ा और जो उन कल्प्रिट्स को सजा मिलेगी उसमें एक बहुत बड़ा मार्जिन होगा, बहुत बड़ा गैप होगा, तो हम छोटी सी सजा हम भी सह लेंगे। आप अपने ही कुलीग्स के विरोध में बातें कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है स्वार्थी हो गए? स्वार्थी कह सकते हैं, क्योंकि अगर सामने दिख रहा है, उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड मीडिया में भी कहा है कि हाँ इस पे हुआ है, जो हुआ है उनको बाहर निकालो, ऐसा उनका कहना है, कुछ लोगों का जिनकी मैंने, मेरे तक क्लिपिंग पहुंची है, कोई मीडिया बाइट आई है, तो ऐसा कुछ लोगों ने कहा है। अब मुझे बताइए, जब वो बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, जब बाहर करने के लिए कह रहे हैं, तो उनको पता है इसमें कुछ हुआ है? क्या बाहर ऐसे ही हो जाएगा कि किसी का कान पकड़ा, चलो भाई तुम स्कैमर हो, बाहर कर दिया? ये प्रोसेस अगर स्कैम प्रूफ करना है, किसी ने सीजीएल जो 2017 में हो उसका देखिए, और 2020 में उसका जजमेंट आया कि हाँ हुआ है, और ये फिल्टर आउट करना नियर टू इम्पॉसिबल है, तो उसको स्क्रैप। अब देखिए, ये अगर चीज़ हम इस पे अप्लाई करते हैं, आप जिस फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं ज्वाइन कर दो,
और हम एफिडेविट दे देते हैं, कल को कुछ भी होगा हमें बाहर कर देंगे। एफिडेविट कई लगते हैं ऐसे, तो एफिडेविट जो टेम्पररी कंट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं जिन लोगों को, उनसे भी लेते हैं कि कल को वो एफिडेविट रिटर्न में देते हैं कि कल को हम खुद को रेगुलराइज करने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन वही हमें सड़कों में मिलते हैं, उन्हीं को हम कोर्ट में देखते हैं और स्टे लेके वो रेगुलर अपने आप को करने की डिमांड करते हैं। स्टे भी लेके आते हैं और उन पोस्ट में जो सिर्फ 3-4 महीने के लिए होती है उसको बार बार रिन्यू कराते रहते हैं और स्टे ले लेते हैं। तो ये उस केस में आप अगर फंसाने की सोच भी रहे हो तो नहीं हो पाएगा, हमें भी पता है वो क्या है और हम उस तरह स्तर तक इसको जाने नहीं देंगे। युवा तैयार है, हम नहीं चाहते हैं कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो, सड़कों में सब लोग निकले। सरकार अपना ईमानदारी से काम कर रही है, करे भी, लेकिन हाँ इसका कहीं ना कहीं इस बात की जिम्मेवारी, ये जो लोग आज हमें सड़कों में मिल रहे हैं और स्कैमरों को डिफेंड करने की कोशिश हो रही है, इसका एक कारण ये भी है कि सरकार ने कड़ाई से जल्दी कार्रवाइयां नहीं करी। जो टाइम गैप दिया है, इनका हौसला बुलंद हो गया और ये आज अपने आप को या किसी तरह से कुछ स्कैमर दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद तो वो पीछे हैं, बैकडोर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन लोगों को आगे भेज के, जैसा कि हमने PSI के टाइम पे देखा, आज कभी उन PSI जो एस्पिरेंट जो उस समय प्रोटेस्ट कर रहे थे उनसे जब बात करके देखिए, वो खुद कहते हैं कि हाँ भाई बहुत बड़े लेवल पे हुआ, जब हमें पता चला हम तो गए नहीं, मीडिया क्यों जाएं भाई, हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कार्रवाइयां नहीं हुई उसका ये कारण है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो मैनेजमेंट सरकारी लेवल पे चल रही थी वो असर कर गई, जो इसकी कार्रवाई में डिले हुआ उसका परिणाम आज हमें सड़कों पे दिख रहा है। एक और सवाल मैं करना चाहूँगा, क्योंकि आप एस्पायरेंट हैं और एस्पायरेंटों के साथ बातचीत आपकी होती रहती है, सारे आप लोग मिलकर ही जो भी आपको तैयारी करनी है, जो भी रणनीति बनानी है, आप मिलकर बनाते होंगे। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस समय इलेक्शन भी पास आ रहे हैं, आपने स्वयं कहा राजनीति भी इसमें हो रही है, तो ये जो एस्पायरेंट है इसमें ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग भाजपा की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, राज्यपाल को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की कोई चर्चाएं आपने सुनी हो? देखिए राज्यपाल जी के बारे में, मतलब जो LG साहब है उनके बारे में तो ऐसा आया था कि हाँ चेंज हो रहे हैं और किसी और नेता का नाम चला था, ऐसे सोशल मीडिया पे ही लोगों ने करने की कोशिश करी थी, शायद कुछ लोगों ने ऐसी खबरें चला दी, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि हाँ LG साहब ने जो कार्रवाई करी है अब तक, जिस स्तर पर कार्रवाई करी है, हालांकि स्टेट में और भी इश्यूज हैं, लेकिन हाँ यूथ को लेके वो जितने सीरियस हैं, करप्शन को लेके जितने वो सीरियस हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, नो टॉलरेंस टू करप्शन, तो वो चीज़ जो है वो तारीफ योग्य है, उन्होंने करी है। मैं नहीं चाहता कि उनसे कोई ऐसे उनके ऊपर दबाव बनाया जाए कि भाई वो कार्रवाई ना करें, ऐसा दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, पर मैं उनको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यूथ आपके साथ है, ये जो लीडर आज बोल रहे हैं, इनका जनाधार क्या है यह आप जानते हैं और पूरा देश जानता है इनका जनाधार क्या है, और ये किस पक्ष में होते हैं ये भी पूरे देश में चर्चा है। यह आई थिंक कुछ लोग जो है इन्हीं में से जो आज सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, JKCA को लेके कुछ धांधली वहाँ है, उसके बारे में पूछताछ हुई थी, और बड़े बड़े कुछ तो मैंने ही गिना दिए हैं, इसके अलावा और भी कई जो धांधलियाँ इनके मत्थे पर बड़ी हुई हैं उनकी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, किस किस तरह से ये इन्वॉल्व्ड कहाँ कहाँ रहे हैं या किस किस तरह से उन्होंने लोगों का जो हमारे स्टेट है उनके जो जनता है उसको नुकसान पहुँचाया है, उसका हिसाब सरकार ले रही है। अब जो एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है इनके जो गंदे कामों का, करतूतों का, मैं माननीय LG साहब से गुजारिश करूंगा आप घबराइए नहीं बिल्कुल, ये पॉलिटिकल पार्टियां जो कुछ लोग हैं इनका जनाधार कुछ नहीं है, ये कहीं खड़े भी हो जाए, 4 लोग ये आए ना हमारे बीच पब्लिक में आए हम बताएंगे इनको, ये उस समय आए नहीं PSI के समय, इनको कितना लोग मानते हैं, कितना जिन लोगों को इनकी जरूरत होती है, मैंने वही कहा एक सिंडिकेट ऑपरेट करता है, कुछ राजनीतिक लोग, कुछ गैर राजनीतिक लोग, कुछ सरकारी जो एम्प्लॉई हैं वो, और कुछ एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स और कुछ एस्पिरेंट्स, अब वही सब लोग आप इकट्ठा देख रहे हो, जो जेन्युइन एस्पिरेंट है वो बाहर है और वो विरोध कर रहा है, जिसके नंबर भी आए हैं वो भी कह रहा है मैं क्यों जाऊं भाई तुम्हारे साथ, हुआ है होती है कार्रवाई हो मैं दोबारा से पेपर दूंगा, स्क्रैप होगा तो बिल्कुल दोबारा पेपर देने में भी कोई परेशानी, क्योंकि कुछ एस्पायरेंटों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते हमने कितनी मेहनत की है, 2-2 साल 4-4 साल से हम मेहनत कर रहे हैं और अचानक इस तरह के फैसले आने से हम थोड़ा सा परेशान हो गए, हमें समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। देखिए जी मेहनत कोई खाना नहीं है जो खाया पचाया और ख़त्म, मेहनत जो है दिमागी तौर पे अगर किसी ने पढ़ा है, दिमाग में जो चीज़ें जाती हैं, हर किसी की मेमोरी होती है तो उसमें याददाश्त में वो चीज़ें रहती हैं, किसी का कहना है ऐसा नहीं है, उनका अपना निजी हो सकता है, मैं जितने भी एस्पिरेंट से मिला हूँ जो लोग जेन्युइनली ये बात कर रहे थे, जिनको पता है कि स्कैम हुआ है, जिन्होंने स्टडी करा केस को, उन लोगों ने ये कहा कि हमें
कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक चीज का उनको जरूर फर्क पड़ता है कि कार्रवाइयां जल्दी हों। सीबीआई को केस गया है, सीबीआई की जिम्मेवारी बनती है और माननीय मनोज सिन्हा जी की भी और द्विवेदी जी और आरके गोयल साहब की भी जिम्मेवारी बनती है कि कार्रवाइयां हों जल्दी से। ये जेके बैंक वाला जो पेपर स्क्रैप हुआ वो ना बन के रह जाए, और ये सबूत खत्म हो रहे हैं। आप खुद कहिए ना, आप खुद बताइए, आज के टाइम पे जितने सबूत हमने जो कहीं ना कहीं मीडिया में आ ही जाते हैं, तो कैसे उनको बाईपास किया जाए? उनके ऊपर क्या कुछ पुराने बिल इकट्ठे कर रहे हैं, कुछ किसी ब्याज में पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ अपने दो रिश्तेदारों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ रिश्ते कर रहे हैं कि किसी बहाने से अपना जो ट्रांजेक्शन हुई है उनको छुपा लिया जाएगा। तो वो मौका ना दें, कार्रवाइयां जल्दी करें, फास्ट्रैक मोड पर करें। एक अंतिम सवाल, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो ये रिक्रूटमेंट है इसको स्क्रैप कर देना चाहिए या फिर जैसे बच्चे मांग कर रहे हैं कि सिलेक्शन लिस्ट को जारी कर दिया जाए? देखिए, जहाँ तक हमें सुनने में आया है और जहाँ तक उनका वर्जन आया है आरके गोयल साहब का, कि अगर इसमें धांधली पाई जाती है तो ये लिस्ट, ऐसा उनका कहना है, मैं हमारा ऐसा रब्ता नहीं हुआ उनसे, कि भाई अगर कुछ धांधली पाई जाती है तो लिस्ट स्क्रैप होगी, ऐसा उनका कहना है। क्या करना है और क्या सही है युवाओं के लिए, मैं अभी जो CGL की एग्जांपल दी, भाई 2-2.5 साल, क्योंकि जुडिशरी पे बहुत लोड है, तो उनको क्या सही लगता है? हम उस मैटर में फंसेंगे, अब एस्पिरेंट है उसका काम कोर्ट कचहरियों में जाना है, या उसका काम जॉब के लिए पढ़ना, सब तैयारी करना उसका ही है, एग्जाम में अपेयर होना उसका काम है, तो कहाँ इधर उधर फंसेगा वो। लेकिन उनको जो सही लगेगा वो करेंगे, बट एक चीज़ ज़रूर है कि उनको कार्रवाइयाँ जो है फास्ट ट्रैक मोड पे होनी चाहिए, और इंतज़ार मत करिए। बार बार मैं चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंतज़ार, अब हमें भी ना अंदर से कुछ एक अजीब सा एक फीलिंग आ रही है कि भाई इतना इंतज़ार किस बात के लिए था, क्योंकि जब क्राइम, जम्मू कश्मीर की जो क्राइम ब्रांच है उसने जब ये केस पकड़ा अपने हाथ में, तो आई थिंक वेरी सेकेंड डे उनके पास इतना सफिशेंट एविडेंस था कि FIR लगा सकते थे, लेकिन FIR नहीं लगी। और ऐसा कहाँ लिखा है कि सिर्फ FIR CBI ही कर सकती है? जम्मू कश्मीर पुलिस अपने आप में टेकअप करे मैटर को, और फाइनेंस को लेके भी नहीं हुआ। जो जहाँ तक हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आई है, जो रिपोर्ट CID ने दी PSI के टाइम पे, उसमें दोनों का मेंशन था कि PSI में भी और फाइनेंस में भी बड़े लेवल पे धांधली हुई है, ये लोग डाउट्स हैं, इन एस्पिरेंट्स को मिला है, नए नाम एडिशन होते जाते हैं हर रोज, इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही है जब, तो लेकिन उस पे भी FIR नहीं हुई। ये बड़े एक मतलब शक पैदा करने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस को भी चाहिए था सुओ मोटो एक्शन, एक क्राइम हुआ है, ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है, लोगों की जिंदगियों के साथ खेल चुके हैं, और एक ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट में उसमें एक आया भी है स्पेशली, उन्होंने कहा है कि ये जो लाइव जिनमें हम डेथ या लाइव सेंटेंस देते हैं उससे भी, उन क्राइम से भी बड़ा क्राइम है ये पेपर लीकेज का, तो सुओ मोटो एक्शन ले लेना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं लिया तो अब मैं चाहूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट, हमारा जो होम डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, कि आप जो आला अफसर है वो इस पर FIR लॉन्च करी जाए, कार्रवाइयाँ शुरू करी जाए, क्राइम ब्रांच जब आएगी तब वो देखेगी। हम मना नहीं कर रहे कि क्राइम ब्रांच को क्यों दिया, हमारा भी यही है कि मैग्नीट्यूड बड़ा है, बट पैरेलल नहीं चल सकता, ऐसा किसने कहा, पैरेलल ही भी चल सकता है, और रिसोर्सेज हैं, सबूत हैं, लोगों के नाम हैं, इन्वेस्टिगेशन करिए, और जेके पुलिस मतलब जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने और CID ने मिलके ये काम करा है, और उन्होंने सबूत जो है जुटाए हैं, उनसे अच्छा इस केस को कौन जानता है? मुझे नहीं लगता इस केस को सॉल्व करने के लिए 5 से 6 घंटे भी लगेंगे, लेकिन जो मैनेजमेंट बड़े लेवल पे हो रही है, जिन लोगों को हमने कहा कि कुछ पुराने राजनीतिक है ना, किसी नाम चलते हैं जब, तो पुराने पुराने जो बड़े लीडर रहे प्रदेश में, मतलब सेकेंड रैंक के लीडर रहे हैं, उनके साथ लिंक्ड कोई लोग हैं, इतने बड़े लोगों का बड़ा बहुत बड़ा रसूख है, उस रसूख का वो इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को डिरेल करने की और डिले करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। जो पहले DDD था, अब एक उसमें 4th D भी जुड़ गया है, वो इन कुछ जो प्रभावशाली लोगों ने जोड़ा है डिरेल करने का, तो डी डिरेल है। लोकसभा में आज ये मुद्दा जरूर उठा कि भाई उन्होंने एक नोटिस दिया, मैंने देखा किसी NC के कोई MP हैं तो उन्होंने एक नोटिस दिया, अटेंशन, स्पेशल अटेंशन के लिए नोटिस दिया लोकसभा में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को लेके। बड़े शर्म की बात है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि कार्रवाइयां क्यों नहीं हुई, उन्होंने ये बात बिल्कुल नहीं वहां पूछी कि PSI में जो आपने स्कैम कहा है, CBI को जो जांच हैंडओवर करी है उसकी कार्रवाइयां कहां हुई, और मुझे नहीं लगता उन्होंने उस केस में एक न्यूज या उनके पास कोई एक उसका एक भी इंटेल होगा, या अपने सोर्सेज से उन्होंने कहीं बात करी होगी, गोयल साहब से भी बात करी होगी कि ऐसा हो रहा है PSI में, कुछ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। अरे भाई, अंधेरी नगरी है, कोई भी राजा बना हुआ है, वो चल पड़े कहीं पे भी, चलो जी हाँ नोटिस दे दिया, 4 लोगों भीड़ देखी है, हाँ जी
हम लोग जेन्यून हैं तो हमारे पास करो, अरे देख तो लो कल को फोटो वायरल होंगे आप लोगों के, तो फिर आप कहोगे ये हम तो जानते नहीं हैं, ये पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, जैसे आज बयान आते हैं उल्टे सीधे। तो ठीक है, तब का तब देखा जाएगा, लेकिन आप लोग इस चीज़ को प्रभावित करने की कोशिश ना करिए। एक और चीज़ मैं इसमें आपको बताऊँगा, इन लोगों का ही है जे जो आज MP साहब बोले हैं, वहाँ जिन्होंने नोटिस दिया है, और इससे पहले भी एक कोई कम्युनिस्ट पार्टी को के लीडर हैं वो भी कह रहे थे कि हाँ भाई लिस्ट जो बाहर आनी चाहिए। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको दीपक जी, आपके दर्शकों के माध्यम से। 2016 में KAS का एग्ज़ाम हुआ, कुछ लोगों को उसके जो है वो ऐसा लगा कि ये कुछ गलत है इसमें, यहाँ प्रेस कटिंग भी है, मैं आपको दिखाऊँगा आपके दर्शकों को। तो उसमें क्या हुआ है कि कुछ लोगों को लगा कि सब्जेक्ट वाइज में कुछ गड़बड़, उनको लगा कि हाँ भाई इसमें कुछ कुछ ना कुछ तो है, तो इसकी जांच हो, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन हुआ क्या, जब वो जांच को लेकर मांग करने लगे तो कुछ लोगों के ऊपर कश्मीर में केस चले, और यहाँ उस समय 2016 में फिर वही सरकार ने क्या करा, सरकार ने डिनाइल मोड डाल दिया कि कुछ नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। आज जब गवर्नर साहब ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है ना, तो आप यकीन मानिए इनके सामने माइक लेके जाइए, इनको पूछिए, तो टांगे कांपेंगी इनकी, मीडिया के सामने आके इनके मुंह से उल्टे सीधे बयान निकल रहे हैं। आदों को तो ये भी नहीं पता पेपर का प्रोसेस शुरू कब हुआ, ख़त्म कब हुआ, आदों को तो ये भी नहीं पता, उनको ये पता है हाँ जी लिस्ट निकालनी चाहिए। अरे लिस्ट देखो तो सही किसकी निकलनी है, कईयों को तो पूरा पता ही नहीं है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, कईयों को वो भी नहीं पता है। तो ये कुछ लोग जो है, बहुत तो नहीं है, मैं इतना सीरियसली नहीं लेता इन लोगों को कि हाँ क्या इनका है, लेकिन हाँ भाई कुछ लोग जो हैं खलल डालने के, अपने रसूख का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पावर हमने इनको दी थी गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को जागना चाहिए, क्योंकि अगर ये, अब देखो इन लोगों ने कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रंग इसको इसलिए भी दिया है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी ने एक स्ट्रांग निर्णय लिया है, एक LG ने स्ट्रांग निर्णय लिया है, तो कहीं ना कहीं ये उसको रोकना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि करप्शन के अगेंस्ट जो लोग हैं उनका बोलबाला हो जाए। हम लोग चलो करप्शन करते करते सर आपस में मिलजुल के, आपने देखा नहीं हुआ कैसे आपस में एक दूसरे के दुश्मन भी हैं लेकिन फिर भी बयान एक जैसे हैं, कैसे पॉलिटिकली एक दूसरे के राइवल हैं वो लेकिन बयान एक जैसे हैं। कारण उसका यही है कि करप्शन, तुम मेरी बारी की करप्शन बचाना, मैं तुम्हारी बारी की बचाऊंगा, ऐसा नहीं है। जब महबूबा जी आई थी तब उनको नहीं पता था, ऐसा नहीं है जब बुखारी साहब सरकार में थे तब उनको नहीं पता था यहाँ मेरिट ट्रैक कंपनी कोई काम करती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो तब कहाँ थे भाई, तब इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? आज जब पानी सर से ऊपर गया और कुछ लोग निकल के सामने आए हैं, हम तो दो चार लोग हैं आपका कहने से, लेकिन जिस दिन आप बाहर जाओगे, चुनाव तो आ ही रहे हैं, जिस दिन आप बाहर जाओगे आपको दिखेगा हम दो चार हैं कि कितने हैं। यूथ को जितना ठगना था ठग लिया है, और मैं चाहूँगा जो आज के टाइम पे लगभग 6-6.5 लाख एप्लीकेंट, एक्टिव एप्लीकेंट हैं, जो लोग किसी ना किसी पोस्ट के लिए J&K में एलिजिबल हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट निकालता है वो एलिजिबल है, हर किसी की फैमिली मेंबर्स वोटर हैं, जो लोग फॉर्म अप्लाई करने के लायक हो गया ऑब्वियसली वो अबव 18 है, तो वोट तो आपका है, 6.5 लाख है, आपको स्टैटिस्टिक्स आपको अपने अच्छे से पता है, एक फैमिली में 4 मेंबर्स तो हैं, तो देखिए दीजिए इनको जवाब। जो इनका जो इन्होंने ये आज कुछ करप्ट लोगों को, कुछ स्कैमरों को डिफेंड करने की कोशिश करी है, हालांकि कोशिश मात्र है, होना इनसे कुछ नहीं, हालांकि कोशिश मात्र है, इसका जवाब आप करारा देना। और जब कभी अभी ये गली में मिलते हैं तो आपको पता है सूटेबल क्या जवाब देना है, इनसे 4 सवाल करो, जरा पूछो जरा कि ऐसा क्यों 2013 से 2016 के बीच में जो बैंक में बैकडोर अपॉइंटमेंट हुई, उन जो लोग थे उनकी जगह पर जो ईमानदार लग रहे थे उनका हक कहाँ है। एक बोपी की अभी एग्जाम्पल इसमें है, बोपी में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने 2011 में स्कैम करके 50 के आसपास लोग, उनको सजा भी हुई, अंदर चले गए, दूसरे तीसरे साल में वो बाहर निकले। अब देखना वो बाहर निकले, कुछ लोग कहते हैं वो फिल्टर आउट हुए, अरे बेवकूफ़ वो फिल्टर आउट नहीं हुए थे, उनको सजा हुई तो हुई, जो ईमानदारी से उस समय आ सकते थे जे बोपी का एग्जाम, जिनका क्वालिफाई हो जाना था अगर वो स्कैम नहीं करते, जो 50 सीटें थी उनको कोई हक मिला था? पहले इन्होंने पैसे खाए, उसके बाद क्रेडिट भी ले लिया, हमने कार्रवाई करी। उन गरीबों को पूछो जिनका हक मारा गया था उस समय, किसी ने पूछा उनका हाल? जो 50 बंदे इमीडिएट आफ्टर मेरिट लिस्ट में जहां कट ऑफ हुआ उसके बाद इमीडिएट थे, किसी ने पूछा उनको? कोई नहीं पूछेगा। यही हाल आज भी होने वाला है, जो फाइनेंस के साथ कर रहे हैं इसमें भी यही हाल है, फायर वालों के साथ भी यही हुआ। वहां आप देखेंगे ना, आप स्टडी करिए ना, लाइब्रेरी में बैठ के, ठीक है आप लोग पढ़ रहे हैं मैं नहीं कह रहा, लेकिन निकालिए ना,
दो ढाई घंटे जो फेसबुक पे इधर उधर बैठे हैं, आज अगर सड़कों पे भी बैठे हैं तो भी देखिए फायर एंड एमरजेंसी एग्जाम के साथ क्या किया है ना लोगों ने, किस तरह से पूरा नेक्सस ने मिलकर उस स्कैम को पूरा दबा दिया है। फिर वो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, फिर वो चाहे स्कैमर्स हो, चाहे एस्पिरेंट्स कुछ जो गलत तरीके से अंदर आए थे, या सरकारी तंत्र में शामिल कुछ लोग थे, हर लोग, अरे दो दिन के अंदर अपॉइंटमेंट हुई है भाई साहब, कभी इंटरव्यू देके आओ, प्राइवेट जाओ मैं तब भी पता चलेगा अपॉइंटमेंट, कि हॉस्पिटल में भी जाओ तब भी आपको पता चलेगा एक मतलब इमरजेंसी से रूम तक शिफ्ट करने में कितना टाइम लेते हैं। दो दिन में अपॉइंटमेंट हो गई है, आंखें खोलो थोड़ी सी, क्या हुआ है। ये बात सिर्फ एक नौकरी की नहीं है, यहाँ पे जो 1200 लोग जो सब इंस्पेक्टर बनने थे एक टाइम पे, आज से 10 से 15 साल बाद उन लोगों ने पूरी स्टेट संभालनी थी, उन लोगों ने पूरी स्टेट संभालनी थी। उस समय लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन होती, आज जो ड्रग्स मिलते हैं, आज जो टेररिज्म बढ़ रहा है, इसका कारण आज हम कहते हैं कि यहाँ डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं ऐसे शामिल, तो ये जो जा रहे थे ये कैसे लोग थे, कभी सोचा इस बारे में, कभी अपने भाई बहन माता पिता इनके साथ क्या होगा उस टाइम पे जब उस दौर में पहुंचेंगे, कभी सोचा इस बारे में। बहुत बड़ी त्रासदी से हमारी स्टेट बच गई है, बहुत बड़ी त्रासदी से, और ये अभी जो जा रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, ये भी कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली लिंक है पब्लिक के साथ, इन्होंने क्या करना है ये भी आप सोच लो भाई। करप्शन करके कोई कहीं भी जाता है, नुकसान जनता का है। मैं चाहूंगा आपके दर्शक, एक चाहे वो एक्सपीरियंट नहीं भी है, आम लोग हैं, उनको भी चाहिए कि वो उठे, बाहर निकलो और अपने आसपास जो लोग हैं उनको बताओ कि इन्होंने ऐसा करा है, एक जन जागरण जो है वो होना चाहिए इनके खिलाफ, कि इन्होंने करा क्या है। और ये सिर्फ मैं इसी की नहीं कह रहा हूँ, पंचायत और फाइनेंस क्योंकि मैं एस्पिरेंट हूँ, मैंने इसलिए कहा जेके बैंक में भी जो 2800 इंट्रियाँ बैकडोर इंट्रियाँ हुई हैं वो भी नाइंसाफी है, जो फायर एंड एमरजेंसी में हुआ वो भी नाइंसाफी है। ये तो जो वो है जो हमने सामने ले आए हैं हम, आप रिसर्च करिए, अभी तो एग्जाम पीछे पेंडिंग है, जूनियर असिस्टेंट है उसमें, इसके अलावा फोर्थ क्लास है, पंचायत है, क्या पता उसमें क्या क्या हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा उसमें कुछ हुआ है, लेकिन आप उस एक ही कंपनी ने कराया है, कोई लोग शामिल हैं, ऐसा क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई लोग शामिल हैं, सरकारी लोग भी शामिल हैं, क्योंकि ऐसे नहीं मिलते टेंडर। और जब आप टेंडरिंग प्रोसेस में जाएंगे, दीपक जी आपके दर्शकों को मैं बता दूं, जब टेंडरिंग प्रोसेस में जाएंगे वहां पे भी बहुत बड़ी धांधली हुई है, किस तरह से धांधली हुई है वो भी बताना चाहूंगा। ये टेंडर जो है वो एक बार नहीं हुआ है, हमारे सोर्सेज के हिसाब से, मेरिट रैंक एजेंसी के बारे में बता रहे हो जी, इस एग्जाम को लेके जो अभी जो टेंडर हुआ था दिसंबर में जब ये शुरू हुआ, जो मामला कोर्ट में भी गया था, तो ये एक बार नहीं हुआ है टेंडर, हमारे सोर्सेज की माने तो ये टेंडर 2 से 3 बार हुआ है, और इतने अलग अलग तरीके से निकाला गया है कंपनी को बाहर, एक कंपनी को टेंडर देने के लिए दूसरी कंपनी को अनजाने तरीके निकालिए, कोई लूप होल निकाल के उनको बाहर करा गया है, क्यों करा गया है। और उस समय के जो चेयरमैन हैं उनसे ये सवाल जरूर होना चाहिए कि क्या उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर था, या वो स्टूडेंट कोई स्पेशल वेलफेयर स्टूडेंट्स का कुछ करना चाह रहे थे, जो एक ऐसी कंपनी को लेके आए हैं जो ब्लैक लिस्टेड है, और डायरेक्टली नहीं, अगर नहीं ला पाए हैं तो फिर ऐसे तरीके से लाया है कि जो दूसरी कंपनी टेंडर में शामिल थी, जिसको टेंडर मिला हुआ था, टेंडर उसको दे दिया, वर्क ऑर्डर उसको दे दिया है, लेकिन उसको बिना बताए टेंडर किसी और कंपनी को, यानी कि मेरिट्रैक को दे दिया गया है, तो सवाल तो उनसे भी बनता है। मैं चाहूंगा दीपक जी आपको कभी मौका मिले तो उनसे पूछा जाए कि भाई ऐसा कैसे हुआ। तो लोगों से मैं एक प्रार्थना करूंगा कि आपके जो दर्शक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इस बात को, आज बड़ा डिटेल में एक हमने बात करी है, आपके चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा, इतना समय आपने हमें दिया, हमारी बात को जनता तक पहुंचाने का हमें एक मौका दिया। मैं चाहूंगा जम्मू कश्मीर के हर एक एस्पिरेंट की ये जिम्मेवारी बनती है कि इस जो आज अभी जो वीडियो आ रहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उनको दिखाएं और उनको समझाएं, जहां उनको समझ नहीं आती है, वैसे तो बहुत सरल है, लेकिन जहां उनको समझ नहीं आती है उनको समझाएं और बताएं कि इन लोगों ने हमारे साथ किया क्या है और उनके साथ क्या किया है। हो सकता है किसी के बच्चे अभी ओवर एज हो गए हों, लेकिन याद करिए अगर 13 से 16 के बीच में वो ओवर एज नहीं थे तो यही लोग शामिल थे और आपके गुनाहगार भी यही हैं। इनमें वो लोग भी हो सकते हैं जिनके बच्चे अभी एलिजिबल नहीं हुए हैं, तो आप भी ये मान लीजिए कि आज ये बच गए तो आपके बच्चों के साथ भी वही होने वाला है जो हमारे साथ हुआ है, जो मेरे बाकी भाइयों के साथ हुआ है। तो ना जो एस्पिरेंट पहले थे उनका कोई यहाँ पीछे रहने का कोई अभी बात बनती है, ना जो आने वाले हैं उनके ना आने से कोई फायदा होने वाला है, सबको आना है, सबको निकलना है, और ये
सिर्फ जम्मू में, सिर्फ कठुआ में, सिर्फ कश्मीर के एक दो जिले में, या सिर्फ उधमपुर में, या सिर्फ रजौरी में, ऐसा नहीं, पूरी स्टेट में आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि दिन में कम से कम 10 लोगों तक ये चीज जो आज हम बात कर रहे हैं 10 लोगों तक पहुंचाओ, उनको समझाओ, उनको अवेयर करो कि इन लोगों ने किया क्या है। कोई सवाल आते हैं सवाल रखो, सवाल का जवाब मिलेगा बिल्कुल। कोई प्रूफ मांगता है हम प्रूफ देने को तैयार हैं, प्रूफ देंगे, सब कुछ नेट पे अवेलेबल है, आप जाके जस्ट जो हमने वर्ड्स बोले उनको सर्च करो, मिलेंगे। चलिए शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। इस ये काफ़ी हमें लगता है 40 मिनट से ज़्यादा इंटरव्यू हुआ है, और हम भी एस्पायरेंट जो हैं वो सोचते क्या हैं, कर क्या रहे हैं, और उनकी विचारधारा क्या है, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखें कि कितनी डिटेल में ये लोग काम कर रहे हैं, हमारे जो राजनीतिक लीडर हैं उनकी छवि इनके मन में कैसी है वो भी इन्होंने स्वयं बताया आपको कि इन ये लोग क्या सोचते हैं इन लीडरों के बारे में। कब तक आप राजनीति करेंगे, कब तक आपको इस तरह की राजनीति करके लोगों के बच्चों के करियर जो हैं वो तबाह करने हैं। और अगर आज जैसे ये कह रहे हैं कि अगर आज हम नहीं जागे तो फिर शायद सदियों तक जाग भी ना पाएं और ये हमें उठने भी नहीं देंगे, तो इसलिए ये अपील कर रहे हैं। हम भी ये कहेंगे कि रिपोर्ट भी जल्द आनी चाहिए और उन लोगों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भी पहुंचाए, चाहे वो कितने भी पावरफुल लोग हों। अगर आज नहीं किया गया तो प्रश्न जो LG साहब हैं उन पर भी उठेंगे और जो पार्टी है, जो सेंटर गवर्नमेंट है, उस पर भी उठेंगे। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत, नमस्कार।